गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे सुबह का नाश्ता भी हो चुका है, झाड़ू पोछा भी हो चुका है, लेकिन फिर से झाड़ू पोछा लगेगा क्योंकि वो तो चलो बाद की बात है, क्योंकि अभी तो पूरा सामान मुझे अदला बदली करनी है। यहाँ का बाहर जाएगा और बाहर का है जो वो अंदर कमरे में आएगा। तो यहाँ पे फोल्डिंग भी है लकड़ी की, वो भी बाहर निकाल दूँगी। और इसी जगह पे पहले अलमारी थी, तो अलमारी मैंने पहले बाहर निकाल दी थी और अब अलमारी को मैं कर रही हूँ अंदर। और जो बाहर वाले बेड हैं वो भी अंदर आएंगे। तो होता ही है मुझे ना, महीने दो महीने के बाद सामान को बदलना, कोई भी सामान हो उसकी डायरेक्शन चेंज करनी अच्छा लगता है। और कमरा अलग सा होता है, घर का लुक बदल जाता है। तो इसलिए कुछ भी लगा लो आप, क्योंकि मुझे ना एक तरह से बीमारी या कहीं को होती है ना, जैसे सामान की अदला बदली करनी, इधर उधर खींचातानी करनी। तो मेरा भी यही हाल है और बच्चे भी हंसते हैं मम्मा आपसे तो बेड भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि कभी इधर कभी उधर। लेकिन क्या करें भाई, आदत है, आदत से मजबूर हैं। तो यहाँ पे सिंगल वाला जो बड़ा बेड है वो बाहर निकाल रहे हैं हम, और जो सिंगल वाले बेड हैं वो अंदर जाएंगे। तो देखते हैं जैसे भी सेटिंग होगी। फ़िलहाल तो काम शुरू हो चुका है, पूरा दिन आज यही काम होगा, बिजी दिन रहेगा आज, क्योंकि साथ के साथ ही दुकान का काम भी होता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर जिस बेड का मैं सामान निकाल रही हूँ उसका साथ ही साथ लगा दूँगी, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता, पूरा सामान पहले ही फैला हुआ है। और अगर एकदम से घर पर कोई आ जाए, ये तो है नहीं कि एक ही काम है, क्योंकि फिर दुकान पर भी मुझे बार बार जाना पड़ता है। तो इसलिए जो ये बेड सेट हो चुके हैं हमारे, अंदर वाले भी और बाहर वाले भी, जहाँ जहाँ बेड लगाने हैं मुझे। तो यहाँ पे जो सिंगल बेड है, टीवी वाला कमरा है जो हमारा, तो वहाँ पे लगा दिया है मैंने। और पुरानी वाली चादर थी वो बिछा दी है इसके अंदर, क्योंकि होता ही है धूल मिट्टी वगैरह हो ही जाती है, तो इसलिए पुरानी वाली जो चादरें होती हैं वो ऐसे नीचे बिछा लेती हूँ मैं इसके। और इसमें जो सामान हम रोज़ नहीं निकालते वो रख दिए हैं, और अब बिछा देते हैं चादर। तो मेरा यहाँ बेड कम्प्लीट हो चुका है, और इसके बाद अब चलते हैं अंदर, अंदर वाला भी कर लेते हैं सेट, क्योंकि जितना सामान निकाला है उतना साथ के साथ ही सेट कर जाते हैं, तो इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन सामान निकालना तो आसान है, लेकिन सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बच्चे साथ के साथ हैं तो थोड़ा काम बढ़ जाता है, अकेले थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर बाहर वाला बेड सेट हो चुका है, और अब इसका भी जो भी सामान है, इसमें जो कपड़े वगैरह हैं वो सेट कर देते हैं। पूरा सामान इसके अंदर लगाना है मुझे, चादरें वगैरह, गर्म कपड़े तो यूज़ हो रहे हैं इस टाइम क्योंकि सर्दियों का मौसम है, और गर्मियों के कपड़े रखे हैं तो उसे भी एक साइड में कर दूंगी, क्योंकि जब हम निकालते हैं ना तो फटाफट से ऐसे ही फेंक देते हैं, और जब सेट करते हैं तब काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बेड हमारे सेट हो चुके हैं, अब इसके ऊपर गद्दे वगैरह लगा देते हैं, चादर भी बिछा देते हैं। तो साथ के साथ ही बेड सेट हो रहे हैं, बस झाड़ू पोछा ही रह गया है मेरा। तो यहाँ पे पहले ना बेड के ऊपर मैं हमेशा ये पुराने वाली जो चादर है मेरी, बीच में से थोड़ी फटी हुई भी है, तो यही बिछाती हूँ जिससे धूल मिट्टी ज़्यादा ना जाए अंदर। वैसे बंद बंद है मेरा घर, लेकिन फिर भी हो ही जाती है मिट्टी। तो यहाँ पे नई चादर बिछा रही हूँ मैं, पहली बार ही बिछा रही हूँ इसे, और मुझे कलर ना इसका बहुत अच्छा लगा, ब्लू और क्रीम सा कलर है इसका। तो आपको कैसी लग रही है चादर कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो यहाँ पे जितना भी सामान बेड से निकला था वो सेट हो चुका है बेड में, जिसकी जगह जा है वहाँ पे रख दिया है। और बेड के ऊपर कुछ सामान पड़ा है, इसे बाद में ही सेट करूँगी, क्योंकि सूट वगैरह है इसमें। और मैं जितना भी झाड़ू लगा रही हूँ ना, तो दुकान की तरफ से हवा इतनी तेज़ आ रही है ना, सारा कूड़ा अंदर ही आ रहा है, जैसे पर्दे उड़ रहे हैं आपको दिख ही रहा होगा, हवा इतनी तेज़ चल रही है यहाँ पर, तो झाड़ू लगानी मुश्किल हो रही है।
तो यहाँ पे झाड़ू मेरी लग चुकी है, बस दुकान दुकान में रही है, अंदर सारे लग चुकी है झाड़ू। दूसरी बार लग रहा है आज मेरा झाड़ू पोछा, तो यहाँ पे पोछा लगाना बाकी रहा है। होता ही है देखो, जब हम बेड कोई भी सामान सेट करते हैं तो जितना भी रोज चाहे झाड़ू लगाएं पोछा लगाएं, लेकिन जैसे बेड वगैरह होते हैं, कोई भी सामान ऐसा पड़ा होता है जिसे हम रोज़ नहीं हिलाते, तो उसके नीचे फिर भी हो ही जाता है कूड़ा। तो बहाने से यहाँ पे सफाई भी हो गई और बेड में जितना सामान था उसकी भी सफाई हो गई, और कौन सा ही हमें पता चल जाता है कि कौन सा सामान हमें यूज़ करना है कौन सा नहीं करना है। अभी तो वो सामान सारा सेट हो चुका है मेरा, और अब लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक क्योंकि भूख भी लग रही है। तो चाय बनाई है यहाँ पे और सिंपल सा सैंडविच बनाया है, तो मेरे पास खिचड़ी पड़ी हुई थी वही डाल दी थी मैंने इसके अंदर, क्योंकि अभी दोपहर का खाना भी बनाना है। तो पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा काम से, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ पे बैठकर अभी खाएंगे, और बड़े वाले बेटे ने लगवानी है आज इंजेक्शन लगाना है इसने, जो वैक्सीन लगती है वो, तो पहले वाली डोज लगेगी इसके, हमारे लग चुकी है दोनों ही। तो यहाँ पे गर्मा गर्म चाय और सिंपल सी सैंडविच बनाई है जो वो, और सामने जहाँ पे पर्दे उड़ रहे हैं ना, कई बोलते हैं कि अपनी दुकान दिखाइए, तो यहाँ से बाहर ही है मेरी दुकान, तो अगर कोई दुकान पे आता है तो पता चल जाता है, आवाज़ आ जाती है, वैसे तो आवाज़ लगा ही लेते हैं। तो बस बाहर मेरी दुकान है, इसके अंदर कमरे हैं, और जो ऊपर वाले जो हमारे कमरे हैं वहाँ से मेन गेट है हमारा, तो ज़्यादातर हम नीचे ही रहते हैं क्योंकि दुकान खुली रहती है, तो यहीं से ही आना जाना होता है हमारा। तो बस अब मुझे लगाना है पोछा और दोपहर का खाना भी बनाना है, और ठंड ना जैसे हवा आती है ना, बहुत ठंड हो रही है, हवा बहुत तेज़ चल रही है आज, और दो दिन से बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई। तो ठीक है, बारिश तो होनी चाहिए क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, उससे धूल मिट्टी ज़्यादा होती थी, तो जैसे बारिश हो गई है तो उससे इतनी धूल मिट्टी नहीं आती। हाँ, हवा चल रही है, हवा तेज़ है। तो यहाँ पे बच्चों ने भी बहुत काम करवाया है, क्योंकि अकेले करना बहुत मुश्किल था, लेकिन बच्चे साथ थे ना तो हौसला बढ़ ही जाता है, दूसरे के बहाने ना काम हो जाता, अकेले हिम्मत नहीं होती क्योंकि बेड वगैरह नहीं खींचे जाते। तो यहाँ पे बीच में ना मैंने दोपहर का खाना भी बना लिया था, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, चावल बनाए थे और रोटी बनाई थी। दो तीन बार मैं दुकान पे जा चुकी हूँ, और अब लग रहा है मेरा पोछा, क्योंकि मैंने पोछा नहीं लगाया था, पहले दोपहर का खाना ही बना लिया था, तो अब पोछा लगा लेते हैं पहले, और उसके बाद फिर दुकान का काम देखते हैं। और कपड़े भी धुलने हैं मुझे, लेकिन मैं सोच रही हूँ अगर मशीन लगा दी मैंने, बार बार लाइट जा रही है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीच बीच में लाइट जाती रहती है, और जैसे हवा तूफान चल रहा है तो लाइट बहुत जा जाती है हमारे यहाँ पे, और हवा बहुत तेज़ चल रही है, पंखा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आज ऐसे ही सूख जाएगा। तो पोछा वगैरह लग चुका है, घर मेरा सेट हो चुका है, तो थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देते हैं कैसे सेट किया है घर, और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये देखिए, यहाँ पे जो डबल बेड थे उसकी जगह सिंगल बेड, और वो जो फोल्डिंग वाला लकड़ी का मंजा था वो, और ये देखिए मेरे कपड़े, ये धुलने हैं, सारी चादरें वगैरह जो भी कपड़े हैं वो सारे धुलने हैं। तो मशीन ऊपर है, इसको बाद में ही लेकर जाऊंगी, लेकिन बार बार लाइट जा रही है तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। और ये देखिए मेरा बेड सेट हो चुका है, चादर कैसी लग रही है। तो कमरा हमारा सेट हो चुका है, अच्छा भी लगता है, क्योंकि जब हम कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह, थोड़ा हो जाता है कमरे का लुक चेंज हो जाता है। और यहाँ पे इस कमरे में भी सीलन आ चुकी है, ये देखिए जहाँ पे बेड लगाए हैं मैंने ना, इसमें भी सीलन आई हुई है, और पूरी दीवार ये भी ख़राब हो जाएगी, जहाँ पे टीवी है वहाँ पे भी दोनों दीवारें ख़राब हो रखी हैं। इस कमरे में नहीं है सीलन, और ये हमारा पूजा वाला कमरा है, यहाँ पे सोते नहीं हैं इस कमरे में कोई भी, मम्मी आती हैं तो मम्मी ही सोते हैं यहाँ पे। तो बेड लगा दी है मैंने वैसे भी, क्योंकि जैसे सर्दियों में रजाइयाँ वगैरह होती हैं, कोई भी सामान होता है तो इस कमरे में यहाँ पे रख देते हैं, जो ये बेड लगाए हैं यहाँ पे। पहले यहाँ पे सिंगल बेड था, तो यहाँ पे सिंगल वाले जो बेड थे वो यहाँ पे लगा दिए हैं, जो सिंगल बेड था वो बाहर लगा दिया है जहाँ पे टीवी है। तो यहाँ पे कमरे हमारे सेट हो चुके हैं, काम मेरा ख़त्म हो चुका है। तो कपड़े धुलने थे, लेकिन लाइट बार बार जा रही है तो इसलिए, और इस टाइम ना थक भी चुके हैं काफ़ी, सुबह से ही लगे हैं तो इसलिए थकावट हो ही जाती है, एक ही दम करें अगर हम इकट्ठा काम। और यहाँ पे ना मैं आपको पेंटिंग दिखा रही थी, ये मैंने की थी तकरीबन मेरे ख्याल से 10-15 साल हो गए होंगे इसे, तो जब मैंने ये पेंटिंग बनाई थी बच्चे छोटे थे उस टाइम बनाई थी, दो बनाई थी मैंने, ये एक और है जो आप लोगों को दिखाती हूँ, कहाँ पर है वो, बाहर है। तो ये देखिए, दो पेंटिंग बनाई थी मैंने, एक कान्हा जी की थी और एक ये फ्लावर पॉट वाली है। तो कैसी लग रही है पेंटिंग,
काफ़ी टाइम पहले बनाई थी। और घर का मेरा सारा सामान है जो सिमट चुका है। और यहाँ पे देखिए दीवार, मुझे ना ये दीवार बहुत गंदी लगती है, और इस साइड में भी है, दोनों साइड पे ना। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे टाइल लगवाऊँगी या फिर एक वो पैनल होता है ना, अब मुझे ये नहीं पता कि टाइल से ही रहती है या फिर वो पैनल से ही रहता है, तो इसके बारे में पूछना पड़ेगा किसी से, क्योंकि रोज़ रोज़ तो फिर होता नहीं है, तो इसलिए। और ये दीवारें मुझे बहुत गंदी लगती है, और अभी मैंने ना कंघी भी नहीं की है। ये देखिए सुबह से ना पूरा घर फैला हुआ था, तो इस टाइम मेरा घर बिल्कुल सेट हो चुका है। दो तीन बार मैं दुकान पे भी जा चुकी हूँ, और इसी बीच दोपहर का खाना भी बनाया। तो दोपहर के खाने में आज आलू मटर और चावल रोटी थे। तो दोपहर का खाना हो चुका है, बच्चे खेलने जा चुके हैं, और मेरी शक्ल आपको लगी रही होगी कैसी हो रही है। और अभी मैं बैठूंगी दुकान पे, क्योंकि बच्चे नहीं हैं अब तो मुझे दुकान पर बैठना होगा। कंघी वगैरह तो बाद में ही करूंगी, ऐसे ही टोपी लगा लूंगी। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, वीडियो का भी एंड कर देते हैं। आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।